हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम फायर साइन की रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप मेरे व्यूवर्स की राशि एरीज लियो सजिटेरियस है तो हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। अक्टूबर मंथ में आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है? तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है? और जो भी नए व्यूवर्स मेरी रीडिंग तक आए हैं, अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज लियो सजिटेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जी है, एंजल्स मुझे गाइड करिए। थोड़ा सा मेरा थ्रोट प्रॉब्लम चल रहा है 2 दिन से, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो आप ये ना सोचें कि मैडम जो है मायूस होकर के बना रही है रीडिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि मैडम आप उदास हो गए हैं, फलाना हो गया, दिकड़ा हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वाओ, नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ प्यार आ रहा है, सोलमेट, आपके पर्सन आपके सोलमेट है। हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आपकी तरफ कोई नया प्यार आ सकता है, या आपके पार्टनर की तरफ कोई नया प्यार आ सकता है, या आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं, लव का ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों सोलमेट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचेंगे अक्टूबर मंथ में। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए अपने पार्टनर से दूर होकर के, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं अक्टूबर मंथ में काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, उनके जो है आसपास काफ़ी नेगेटिविटी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फैमिली उनकी जो है कान भरती होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके फ्रेंड्स उनको उल्टा सीधा बोलते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो आपसे छुपाते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर मंथ में उनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, ठीक है? काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ में, बात बात पे रोना शुरू कर देंगे, बहुत उदास हो जाएंगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टक हो गए हैं, लेकिन एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैलेंस बनाइए, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है कि वो इंट्यूशन के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, भैया भाभी कोई भी हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है। इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये ऐसा है कि आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि ये आपके पर्सन भी हों जो आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हों, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी का इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी फैमिली का, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अक्टूबर मंथ में बहुत कुछ छुपाने वाले हैं आपसे, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अक्टूबर मंथ में आपको जो इतना मिस करने वाले हैं, हद से ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और वो उस टाइम को अपने दोस्तों के साथ बिताने वाले हैं, हंसी खुशी से पार्टी शार्टी करके जो है कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनमें टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने दुख को बुलाने के लिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रही है ना, तब उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, और उससे बाहर निकलने के लिए वो अपने दोस्तों में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि वो उस सिचुएशन को भुलाना चाहते हैं, वो उस जो तड़फ को किसी को दिखाना नहीं चाहते, वो अपने दोस्तों में इंजॉय करके उसको शांत करना चाहते हैं, जो आपसे मिलने की जो तड़फ है उनके अंदर उसको शांत करना चाहते हैं। एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रही हैं कि आप आगे बढ़िए, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो आप आगे स्टेप लीजिए अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की वो नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं इस टाइम, अक्टूबर मंथ जाते जाते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे कि मुझे आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अभी वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही सुंदर देखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी देखते हैं, कि आप कितने लविंग हैं, कितने सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, और आप जो है काफ़ी स्टेबल भी होंगे, कोई जॉब करते होंगे या नहीं भी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा दिल के साफ हैं, और उनको वो सब कुछ बातें याद आ रही हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में वो ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल भी साथ में कर सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी
आपके पास जॉब है तो आपको कोई प्रमोशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को, या फिर जो है मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ आपको आपको कह करके, आप ये ना सोचें कि आप हमारे लिए रीडिंग कर रहे हैं, मैं आपके पर्सन की बात कर रही, लेकिन गलती से आपको निकल जाता है, ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कोई प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर आपको भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस वो बहुत ही उलझे हुए हैं, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। उनको ऐसा लग रहा है कि कभी आप मुझे एक्सेप्ट ना करें तो फिर क्या होगा, कभी आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपका जो रूड बिहेवियर देखते होंगे कि कभी उन्होंने बात की होगी तो आप रूड बिहेव करते होंगे कि आप मेरे को छोड़कर क्यों चले गए, या आप मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नो कम्युनिकेशन जोन में हो सकती है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, तीनों ही फीलिंग्स मुझे आ रही हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप उनसे रूड बिहेव करें तो वो थोड़ा सा उससे डर भी रहे हैं, फियर्स भी हैं कि पता नहीं आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। वो पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो भी अभी तक हुआ है उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। और अगर गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपसे रेजोनेट होती हैं तो, ठीक है। और मैं लास्ट में दो क्वेश्चन लेती आई हूँ, इसमें भी दो क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग के। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें। रोमांस आएगा आपकी लाइफ में, देखिए मैंने बताया कि आपकी लाइफ में आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं, लुक फॉर अ साइन, ठीक है। आपको जो भी एंजल्स बताना चाहते हैं उनको देखिए, जो भी हुआ था आपकी मर्जी से नहीं हुआ था, इसमें डिवाइन का रोल है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। अभी और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। देखिए आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे, आपकी जो गोल हैं लाइफ में वो रियलिटी में आपके सामने आएंगे, इसलिए आप जो है मैनिफेस्ट करते रहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करते हुए आगे बढ़िए। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपकी क्या डिज़ायर हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, उनको देख करके आप उनके ऊपर फोकस्ड रहिए, ठीक है, और आगे बढ़िए और मैनिफेस्ट करते रहिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि डाइस रीडिंग, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ में अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाउस है, आपके पर्सन जो है डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में आपके साथ में वो आना चाहेंगे। वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, और सोच विचार कर रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं परिस्थिति पर, उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत से ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रात भी तारे गिन गिन कर निकाल रहे हैं, नींद नहीं आती है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर वो आपको जो है मून से मांगते हैं, और बटरफ्लाई दिखती होंगी आपको या आपके पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर इनर वर्क चल रहा है उनका, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई होली बुक पढ़ते हो, या हो सकता है कि कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी, या आपके पर्सन जो है कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, मैनिफेस्ट करते रहिए, एंजल्स ने ये छड़ी आपको दे दी है, ठीक है। आप जैसा घुमाएंगे आपकी लाइफ में वैसे ही खुशियाँ आती चली जाएंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं चार्म्स रीडिंग, देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि समय जरूर बदलेगा, अच्छा समय आएगा, आप दोनों अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें फंसे हुए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप एयरफोर्स में पहले से ही हों और आप प्रमोशन के लिए जो है तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर वो आपको स्टार देखते हैं, स्टार से कम नहीं देखते हैं, लव बहुत ज़्यादा करते हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, किसी के थ्रू भी स्पाई करवाते होंगे आपको। म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है आपको या आपके पर्सन को भी, यहाँ पर दो आए हैं, दोनों ही पार्टनर को म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक लगता है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
अभी मैं देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज, फिर हम देखेंगे आपके दो क्वेश्चन। और मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो आप कि क्वेश्चन अगर उनमें हैं तो आप उनको भी जरूर देखिए कि लास्ट में मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं हर वीडियो के। ठीक है, ये खाली आ गए गलती से। देखिए वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, और तुम ही मेरा सपना हो। वाओ, वो आपको ही अपना सपना मानते हैं। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, मैंने बताया था म्यूजिक सुनते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। कम्युनिकेशन, आप लोगों कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई थिंक ऑफ यू अलोट, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं, और उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है आपके अलावा। ठीक है, और यहाँ पर सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लाइफ में। जन्म जन्म का रिश्ता है आपका और उनका, जन्म जन्म का रिश्ता है ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अभी हम देखेंगे दो क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी दो दो क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की रीडिंग। चलिए, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था दो क्वेश्चन देखने का, तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि चांद और नजमा की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। चलिए देखते हैं कि चांद और नजमा की लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। देखिए गाइस, आपका रिकन्सिलेशन तो होगा, ठीक है, 6 मंथ लग सकते हैं आपका रिकन्सिलेशन होने में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आपका रिकन्सिलेशन तो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलेशन जब होगा कि जब आप स्ट्रेंथ जुटाएंगे। ठीक है, जब तक आप उनका सामना नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रेंथ से आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपका रिकन्सिलेशन नहीं होगा। रिकन्सिलेशन तो पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका रिकन्सिलेशन तो होगा, आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका डटकर सामना नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ऐसे ही उलझे रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, चाहे फिर चाहे 6 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, जब तक आप स्ट्रेंथ जुटा करके उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। प्रणव और गीताश्री, प्रणव और गीताश्री की शादी कब होगी? 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 देखिए शादी तो होगी आपकी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ डिले हो रहा हो, शादी तो होगी, किस कारणवश डिले हो रहा है, टाइम पीरियड क्या होगा, शादी का टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए क्योंकि आप लोग प्यार करते हो सकता है कि आपके पर्सन जो है प्यार का इजहार नहीं करते हो। 1 महीने का टाइम भी लग सकता है आपकी लाइफ में कि 1 महीने में बातचीत हो जाएगी, आपकी शादी पक्की हो सकती है, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे अपना खुल कर के इजहार नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका जो पर्सन है, जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आपकी शादी तो होगी लेकिन ये इजहार नहीं कर रहा है प्यार का। 1 महीने में हो सकता है कि आपका जो है एंगेजमेंट मैरिज होने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो फिर मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, या फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली जो है डिसाइड कर लेगी कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।